लेकिन जो है उसको अगर आपने समझ लिया तो जवाब आएगा। वाह, की बजा कौन सा? कि पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, कार्यक्रम चल रहा है नील मथा बाजार में। पहले तो छलिए ने उंगली दबाया, मीठी मीठी बात किया मुझे फुसलाया, बाजार लेके गई थी मैं इसको, बाजार ही नहीं लहंगा उठाया बड़ा महंगा, लहंगा उठाया बड़ा महंगा, पेदर दीन लिया ही गाया नहीं। इंतजार करता रहा कोई योग्य व्यक्ति मिले इसको 108 1008 के बारे में मालूम हो, और क्या, और क्या? वो तो है। तो उससे गाँव और क्या। हेलो, मेन माइक पर आइए भाई, आवाज खींच रहा है। आज तो मिले नाना के नाती। हेलो हेलो हेलो, बेस बनाए रखिए। केवल चार टुकड़े दे रहा हूँ राकेश भाई, यूट्यूब वाले बेचारे रोज आते हैं तो इनको कुछ तो मिलना चाहिए। और क्या, और क्या, और क्या, इनकी दुकानदारी चलती रहे। जिस समय सौतेली माँ के कहने से ये 201 प्राय हमारे भैया राकेश शर्मा जी मनार आपके द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। क्या बात, क्यों? पर्चा और खर्चा, ये हमारे राकेश शर्मा जी और मक्कू भाई आपके द्वारा 201 प्राय प्राप्त है। जिस समय सौतेली माँ के कहने से, माँ बेटे वाली फरमाइश कौन कर रहा था, सुनिए, सौतेली माँ के कहने से राजा उत्तान पाद ने अपने बेटे ध्रुव को गोद से उतार दिया। दुखी हो गया सगी माँ ने कहा, बेटा क्यों रो रहा है? अरे पिता ने गोद से उतार दिया तो उतार दिया, जा जा तपस्या कर और परम पिता की गोद में बैठ जा। छोटा सा बालक ध्रुव चल पड़ा, चल पड़ा और बचपन में ही परमात्मा के दर्शन भी किए। और क्या, और आज भी ध्रुव तारा सारे तारों में, सारे मंडल में भी विशेष है। रोशनी जी, मैं परेशान हो गया कि शायद कोई दूसरा भी ऐसा मिल जाए, हमको तो नहीं मिला। शुक्र बुध बृहस्पति चंद्रमा सूर्य
उदय होते हैं, अस्त होते हैं, लेकिन ध्रुव चलो जब भी निकलता है तो उत्तर दिशा में और अपना स्थान नहीं बदलता। तो लिखना पड़ा तन को तपा दो, तप में तपा दो, तेज वान हो गया है। सारे तारे देखे, देखा है इसको, देखा है उसको, अटल है वो किसका नाम, स्थान नहीं बदलता, अटल है वो किसका नाम, बोला चलो किसको, उसे कोई सिकवा गिला ही नहीं। रोशनी जी हमने तो बहुत ढूंढा, जोड़ा मिलाना मैंने चाहा, जोड़ा मिलाना मैंने चाहा, पर जोड़ा हमको तो नहीं मिला। ये बात भगवान प्रभु राम ने हनुमान जी महाराज से कहा, हनुमान मैं भूत भावन भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहता हूं, जाओ कहीं से एक शिवलिंग लेकर के आओ। हनुमान जी महाराज चले, शिवलिंग लाने में जब देर हो रही है, स्थापना का मुहूर्त ना निकल जाए तो बालू का ही शिवलिंग स्थापित कर दिया, बालू का ही शिवलिंग स्थापित कर दिया। हनुमान जी महाराज आए, थोड़ा दुखी हो गए कि प्रभु आपको हनुमान पर विश्वास नहीं था, अरे इंतजार करते मेरा। प्रभु राम ने कहा, हनुमान काहे गुस्सा हो रहे हो, अरे बालू का शिवलिंग है, इसको उखाड़ के फेंको, अपना वाला अलग रख दो। अब हनुमान जी महाराज लगे ताकत लगाने, उस बालू के शिवलिंग का एक कण भी नहीं छुटा पाए। तो लिखना पड़ा क्या, राम जी के द्वारा मूर्तिमान हो गया। कपिराज आए जोर जोर से, वो जोर अपना लगाए, एक कण भी नहीं छुटा पाए, और छोर उसका मिला ही नहीं। तो हनुमान जी ने उसको उखाड़ना चाहा, कपि ने हिलाना तो चाहा, मगर वो हिला ही नहीं।
उड़ीसा खुली हुई है, तमाम मिल जाएंगे जिनका जोड़ा नहीं मिला। इसमें एक विशेषता चल रही है गीत में। अब चलते हैं द्वापर में। अर्जुन कन्हैया की कैसी करामात है, अर्जुन कन्हैया की कैसी करामात है, स्वर्ग से धरा पर आया वृक्ष पारिजात है, पारिजात का वृक्ष बाराबंकी जिले में, पूरी धरती पर केवल एक ही है। रोशनी जी, केवल एक ही पारिजात मिला। भांति भांति के वृक्षों का मेला, अरे अलबेला पारिजात है एक अकेला। हमने बहुत ढूंढा लेकिन दूसरा धरा पे खिला ही नहीं, जोड़ा मिलाना मैंने चाहा पर जोड़ा त्रेता का वो शिवलिंग, द्वापर का वो पारिजात वृक्ष। अब देखिए कलयुग, रोशनी जी मिल तो बहुत जाएंगे लेकिन जो भी ला रहा हूं, सतयुग का ध्रुव तारा आज भी है, त्रेता का शिवलिंग आज भी है, द्वापर का पारिजात आज भी है, जो कलयुग में ला रहा हूं वो तो है ही। आला खंड काप में मिलता मखान है, अरे उतल की सांग कड़ी दिल्ली दरम्यान है। आला सुनिए, आला पढ़िए। उतल की सांग दिल्ली में गड़ी, ससी ढूंढते हैं तुम भी धरो ध्यान थोड़ा, संसार में ना देश भारत का जोड़ा। हमारे देश भारत का जोड़ा भी नहीं है संसार में, और क्या, तिरंगे का भी जोड़ा, तिरंगे का भी जोड़ नहीं है। देश तो बहुत है दुनिया में लेकिन हमारे देश भारत जैसा कोई दूसरा हो तो लाना। और एक अंतिम पंक्ति जोड़ रहा हूं, सनातन सधर्म का किला ही नहीं, सनातन सधर्म का किला ही नहीं, और हमने इसका भी जोड़ा मिलाना मैंने चाहा पर जोड़ा। हमरी बगिया महके फुलवा, ई तो हम भी मानत है, तो हम भी मानत है।
गीत मिला। हमने माना हम पे साजन जो बनवा भरपूर है, हमने माना हम पे साजन जो बनवा भरपूर है, ये तो महिमा राम की, ये तो महिमा राम की, ये महामरा कसूर है। महिमा राम की, कीमा हमरा का कसूर है। रोशनी जी निभा रहा हनुमान जी महाराज, माता जानकी का पता लगा करके चूड़ा मणि लेकर के प्रभु राम के पास वापस आए। प्रभु राम ने कहा, हनुमान अरे हमने तुम्हें भेजा था सीता का पता लगाने, तो तुमने लंका दहन कर दिया, लंका दहन कर दिया। हनुमान जी ने, महाराज ने हाथ जोड़ दिए, कहा प्रभु जरूर किसी ने आपके कान भर दिए हैं, अरे हमने लंका नहीं जलाई। हनुमान झूठ भी बोलने लगे हो, सोने की लंका जला डाली और कह रहे हो कि तुमने लंका नहीं जलाई। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने लंका नहीं जलाई, जिन्होंने लंका को जलाया मैं उनको जानता जरूर हूं। किसने जलाई लंका, सुनिए प्रभु लंका किसने जलाई। श्राप ऋषि का, श्राप ऋषि का, पाप उसी का, सिय बिलाप भी कारण है। श्राप ऋषि का, पाप उसी का, सिय बिलाप भी कारण है। जाप भाई का बाप हमारे, जाप भाई का बाप हमारे, ना लंका जली कारण है। अरे लंका को जलाने वाले ऋषि का श्राप, रावण का पाप, माता सिया का पिलाप, मेरे उनचास बाप, और स्वयं प्रभु आप। जाप भाई का बाप हमारे, ना लंका जली कारण है। प्रभु एक बात बताइए, मेरी पूछ में कपड़ा किसने लपेटा, राक्षसों ने, घी किसने डाला, राक्षसों ने, तेल किसने डाला, राक्षसों ने, आग किसने लगाई, राक्षसों ने। अरे मैं तो अपनी पूछ केवल बुझा रहा था। उनका घी और तेल व कपड़ा, उनका घी और तेल व कपड़ा हमारी पूछ जरूर है, तो महिमा राम की, तो महिमा राम की, महामरा का कसूर है।